ये देखो कितना पीला आम है, ये दशहरी है, देख सकते हो ये इतना आम मिला है अभी तक। तो फ्रेंड्स अभी जा रहे हैं मार्केट अपने साइड। नौकर है, नौकर मैंने एक पढ़ा लिखा नौकर रखा है अभी। और इस पे जो चिकन बनता है ना काफी टेस्टी बनता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं वर्जु चौधरी स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरी नए से वीडियो में। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, जस्ट मैं अभी उठाई हूँ, उठ के बैठा हूँ और ये मेरा रूम। तो फिलहाल अभी मैं हूँ गांव में, तो गांव में अभी बिहार में हूँ मैं। और मेरे तो चलते हैं आज मेरा घर देखते हैं, और सबसे पहले और आज दिन भर का रूटीन देखते हैं। और उसके बाद एक मेरा बगीचा है, उसमें आम इतना गिरता है ना, इतना गिरता है, बहुत ज़्यादा पके पके आम, बहुत ज़्यादा। तो आपको दिखाता हूँ, बगीचा दिखाता हूँ। सबसे पहले वहीं चलते हैं, सबसे पहले मुँह धो लेता हूँ, फिर चल रहे हैं वहाँ पे। तो फ्रेंड्स फाइनली मुँह भी धो लिया है, तो अब चलते हैं। ये हमारा बगीचा और इसमें उठाएंगे, इसमें इकट्ठा कर करके बड़े वाले टोकरी में रखेंगे और देखते हैं कि आज कितना आम गिर रखा है। कल तो बहुत गिरा था, चलो देखते हैं। सबसे पहले बगीचा दिखाते हैं। तो ये है फ्रेंड्स मेरा बगीचा आम का, देख सकते हो पीछे से, मतलब इधर मैं पीछे साइड से शूट कर रहा हूँ। और ये मतलब आगे तक है, बहुत ज़्यादा आगे तक, 5-6 नाली ज़मीन में है लगभग। तो चलते हैं आगे, ये देखो ऊपर भी आम लगे हैं इसमें, और इसमें के सारे आम भी झड़ चुके हैं यार, क्योंकि ये दशहरी आम है और ये लंगड़ा है। लंगड़ा थोड़ा लेट तक टिकता है, दशहरी तो पक पक के गर्मी के और धूप के उससे झड़ गए हैं सारे। झड़े हुए दिखाता हूँ आपको, ये देखो, देख सकते हो नीचे आम बहुत गिर रखे हैं। ये मैंने कहा था ना बहुत गिरा होगा, तो उठाते हैं अभी फटाफट और इकट्ठा करते हैं। इसमें पहले से 2 आम भी रखे हैं, ये देखो पीले पीले आम गिर रखे हैं, तो इनको इकट्ठा करते हैं। ये चेक करो गाइस कितने पीले पीले आम हैं, और साइज देख लो मेरे बगीचे का। ये दशहरी आम है वैसे, देख सकते हो इतने आम, अभी बहुत है, अभी उठाते हैं इसको भी रख देते हैं। ये देखो कितना पीला आम है, ये दशहरी है, अभी बहुत ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं, ये सब दशहरी हो गई दिखा, ये सब दशहरी आम हो गई। और अब चलते हैं, तो अब चलते हैं लंगड़ा आम में। और ये है लंगड़े का पेड़, और इसमें भी बहुत सारे गिर रखे मुझे दिख रहे हैं, तो ये भी उठाते हैं। ये देखो पीला पीला गिर के फूट चुका है, ये जमीन टाइट होने के उससे। चलो अब पहले रख के आते हैं, उसके बाद एक बार और आएंगे अभी। ये तो गाइस कैसा है, ये है लंगड़ा आम, देख सकते हो कलर कितना स्वादिष्ट लग रहा है ना, खाओ फिर। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये इतना आम मिला है अभी तक, एक टोकरी लगभग नहीं भी होगा तो ये समथिंग 20 kg से ऊपर ही होगा, उससे कम तो होगा नहीं। नीचे दशहरी है, ये देख सकते हो दशहरी आम, और ये है लंगड़ा आम, इतना इकट्ठा किया अभी तक। और दिन भर गिरते रहता है, शूट करेंगे वीडियो आगे भी। और अब चल अब दिखा देता हूँ एक बार पेड़ों में कितना आम है और कैसे कैसे आम है और कितना आम बचा है। बाग बहुत तो झड़ चुका है, बट काफ़ी बच रखा है अभी भी,
इस पेड़ का, लेकिन पूरा साफ हो गया दशहरी और लगभग पेड़ों का समाप्ति हो गया है। तो चलते हैं पेड़ में और उसको दिखाता हूँ। सबसे पहले हाथ गंदे हो गए यार, कैमरा कैसे पकड़ूंगा, कोई नहीं साफ कर लेता हूँ फिर चलता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है दशहरी आम, देख सकते हो ये लग रखे हैं इसमें आम और ज़्यादा आगे ऊपर को। और इस पेड़ का आम पूरा गिर गया है, इसने कभी बहुत गिर गया, पूरे पेड़ मतलब उसके उससे आम से भर रखा था। ये देखो ये नीचे से सपोर्ट के लिए वो भी लगाया, इतना आम था इसमें, लेकिन अब पक पक के सारे गिर गए हैं। फिर भी देख सकते हो कुछ बचे हैं, ये देखो। और ये वाला आम पक गया है, पता है पीला हो रहा है ना हल्का हल्का, तो पता चल जाता है। ये देखो मैंगो दशहरी, इसका छोटा साइज है, ये भी पक गया है। और ये ऊपर भी सारे आम लगे हैं देख सकते हो, ये देखो ये आम गिर भी रहे हैं, नीचे दब दब आवाज आ रही है भयंकर खतरनाक वाली। ये देखो कैसे पीले हो गए, ये भी पक गए हैं और ऊपर भी है सब। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं लंगड़ा आम के पास और लंगड़ा आम दिखाता हूँ सबसे पहले। और पीछे वाले पेड़ में तो बहुत कम बचे हैं, बट दो दो लंगड़ा आम के पेड़ हैं और दो तीन दशहरी के पेड़ हैं, और भी आम है बहुत से लेकिन ख़त्म हो गया। तो लंगड़ा आम दिखाता हूँ, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी पक गए हैं, और फ्रेंड्स वो है मेरी दादी, अभी मिलवाऊंगा थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स अब दिखाता हूँ अपना घर, आलीशान महल। गाइस आलीशान महल, ऐसे ऐसे घर में नहीं रहता हूँ मैं, ठीक है हल्के में मत लेना। तो दिखाता हूँ अपना घर, चेक करो एक बार। और जो घर में दिख रही है ना वो नौकर है मेरी, नौकर मैंने एक पढ़ा लिखा नौकर रखा है अभी 12th में इस बार। और ऐसे ऐसे नौकर मेरे घर में काम, तीन तीन काम करते हैं, मैंने तीन पढ़े लिखे नौकर रखे हैं इस घर के लिए। यार इतना आलीशान घर है तो मतलब नौकर तो रखना बनता ही है, इसलिए मैंने तीन नौकर रखे हैं, वो भी सारे पढ़े लिखे, एक से एक धुरंधर है मैं सर। काम तो ऐसे करते हैं फटाफट, ये देखो अभी झाड़ू पोछा का काम चल रहा है और घर में भी काम चल ही रहा है, घिसाई पिटाई का काम चल रहा है, देख सकते हो पत्थर घिसाई। इसलिए अभी फुल मतलब अभी मकान का काम पूरा नहीं हुआ है। और ये है मेरा घर का आगे का एरिया, देख सकते हो कितना प्यारा और सुंदर सा है। और ये सामने का व्यू देखो, यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं यार दिखाने के लिए, दिखाएंगे दूसरे ब्लॉग में, फिलहाल अभी इतना शूट करते हैं। तो गाइस ये मेरे पढ़े लिखे नौकरों का काम, झाड़ू लगाना, देख रहो ये गलत बात है। तो फ्रेंड्स चलते हैं एक बार छत में और छत से व्यू दिखाता हूँ, बगीचे का, घर का और चीज़ सब चीज़ें और आस पड़ोस जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ दिखाता हूँ अभी इस ब्लॉग में, आज सब कुछ दिखा दूँगा घर का। तो दिखाते हैं गाइस, एक बार चेक करो ये सामने का नज़ारा एक बार छत में से, और ये लंगड़ा आम। वाओ इधर से देखो सूर्य भगवान निकल रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम इतना सही होता है बट हम उठते नहीं हैं, और मतलब इतना इतने सुबह तो उठ ही जाता हूँ यार आजकल, मतलब यहाँ गांव में 5-6 बजे। और ये देखो मेरा छत, और इस साइड को नदी भी है मेरे घर के बगल में बट अभी पानी नहीं आया, उसमें पानी सूख गया है। ये देखो ये नदी है सामने पूरी, वो एक पुल हो गया। और एक बार ये वाला व्यू चेक करो गाइस, कितना प्यारा और सुंदर लगता है यार गांव का व्यू ना। तो फ्रेंड्स चल रहा था आज हमारे बगीचे में काम, लकड़ी की कटाई चल रही थी और देख सकते हो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आज पेड़ काटने में। इतनी गर्मी में बस काफ़ी ज़ोरों शोरों से मेहनत चल रही है। तो फ्रेंड्स मेरे बगीचे मतलब काम चल रहा था, देख सकते हो ये जुताई का काम हुआ अभी, जुताई तो क्या हुआ अभी हाथ से ही कुदाल से इसको होना पूरा, ये खुदाई हुई इसकी।
और भी काम हुए, आगे बहुत से काम हुए हैं। लकड़ी वकड़ी की कटाई हुई, पेड़ काटा था दिन भर, उसी में मैं भी बिजी था, आगे वीडियो में दिखाई होगा। तो साथ अभी चल रहा हूँ मैं मार्केट, और ये देख सकते हो पूरा काम हो रखा है इतना सारा। और बाकी हम चलते हैं मार्केट, थोड़ा सा वीडियो शूट करते हैं और गाड़ी साइडों का भी काम कराना है, तो चलते हैं फटाफट से मार्केट, उसके बाद वहाँ से आएंगे, फिर चल देखते हैं आगे को क्या क्या होता है प्रोसेस। चलते हैं सबसे पहले मार्केट। तो फ्रेंड्स अभी जा रहे हैं मार्केट अपने साइडों का काम कराने, इंडिकेटर जो टूट रखे हैं उसका काम करवा के आते हैं। तो यहाँ से मार्केट है लगभग 5-6 किलोमीटर, तो चलते हैं वहाँ, अभी गांव वाले रास्ते में हैं फिलहाल। तो फ्रेंड्स अब हम पहुँच गए हैं बेतिया मार्केट, और दुकान शॉप ढूंढते हैं मैकेनिक की, जहाँ पे इंडिकेटर मिल पाए हमें बैक वाला, और साइड इंडिकेटर भी मिल जाएगा तो सही हो जाएगा मतलब। तो चलते हैं फटाफट, देखते हैं, वैसे शॉप का पता तो नहीं है, फिर भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ मैं मार्केट घूमा नहीं हूँ बिल्कुल भी, बहुत कम रास्ते भी नहीं पता है मुझे। कोई नहीं, फिर भी ढूंढने की कोशिश करेंगे यार, बस मिल जाए। तो फ्रेंड्स उस मार्केट में तो पहुँच गए हैं, बट ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे जैसे कि स्पोर्ट्स बाइक ठीक होती है, और ऐसे तो शायद शोरूम नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे पहले यामा का शोरूम था बट बंद हो गया आजकल, तो वही पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे स्पोर्ट्स बाइक कहाँ सही होती है। देखते हैं फिर, टूटते हैं और पता करते हैं, शायद शॉप मिल गई, ये वाली शॉप है। तो फ्रेंड्स वहाँ पे पता किया बट वहाँ पे नहीं हुआ, उन्हें लेकिन एक एड्रेस दिया, बोला रेलवे स्टेशन के पास पे कहीं पे मिल जाएगी, वहाँ पे कोई एक शॉप है बट वहाँ मिल सकती है बोल रहे थे, तो वहीं जा रहे थे हम अभी। वो रेलवे स्टेशन का रास्ता भी नहीं पता है मुझे, तो ढूंढना पड़ेगा। लाइट है एक बार बता दो पहले, यहाँ की है ये वाला लाइट चाहिए था सेम। तो फ्रेंड्स मतलब मैंने यहाँ मार्केट में, बेतिया मार्केट में हर जगह पता कर दिया, अच्छे क्या मार्केट है, मतलब कुछ गाड़ी के पार्ट्स ही नहीं मिले मुझे। ये नीचे लिखा है बिरजू चौधरी ब्लॉक, हाँ उत्तराखंड से, इधर घर है मेरा गांव। हाँ तो फ्रेंड्स मतलब मिला ही नहीं यार इंडिकेटर, यामा शोरूम में भी पता कर दिया और जगह भी जो यहाँ मेन दुकान है उन सब में पता कर दिया, बट कहीं नहीं मिला। दिल को दुख पहुंचा बहुत, क्योंकि बहुत टाइम से मैं घूम रहा था और मिल नहीं पाया। तो अब चलते हैं घर को, क्या करें भैया बाबू, मुर्गा बाबा। तो फ्रेंड्स यहाँ से चिकन ले लेते हैं और चलते हैं यहाँ से घर को। तो फ्रेंड्स फाइनली चिकन वकन ले लिया है और एक स्टिंग भी पी लिया, क्योंकि काफ़ी प्यास लग गया था यार, शाम को आ गया था 5 बजे करीबन और 8 बज गया यार, मार्केट में ट्रैफिक इतना है क्या करें, और इंडिकेटर ढूंढते ढूंढते आफत आ गई। तो आप घर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली देख सकते हो हम पहुंच गए हैं अपने घर, लेकिन काफ़ी लेट पहुंचे, बाइक को यहाँ पे लगा देते हैं इसके जगह पे, शादी के लिए लाए थे हम भाई पकौड़े। तो फ्रेंड्स मेरे पढ़े लिखे नौकर में से एक नौकर रोटी बना रही है देख सकते हो, और अभी चिकन भी बनाएगी, रोटी देखो गोल गोल है इसकी, और यहाँ पे देखो चूल्हे में, गाँव में चूल्हे, और ये लकड़ी अकड़ी। तो फ्रेंड्स ये है चिकन, और ये मेरा दूसरा नौकर जो मसाला कूट रहा है, और ये चिकन। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये प्याज व्याज डाल दिया इसमें, और ये नमक मसाला डाल रहे हैं, बढ़िया चिकन की तैयारी चल रही है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मेरा चिकन, ओह धुआं आ रहा है, धुआं चूल्हा है ना देखो, ये मिट्टी का चूल्हा, और इस पे जो चिकन बनता है ना काफ़ी टेस्टी बनता है। अगर चिकन टेस्टी नहीं बना तो इस नौकर को निकाल देंगे घर से। तो फ्रेंड्स देख सकते हो फाइनली चिकन और रोटी मेरा बन चुका है, तो अब खा के टेस्ट करते हैं सबसे पहले, और
हट, खा के टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा बना है। एक मिनट, कब हाल तो बनाओ तब से डालो तो हले ही ना दम बनाई। टेस्टी बनाया, मजा आ गया। तो फ्रेंड्स काफ़ी टेस्टी हो रहा है चिकन, अभी टेस्ट किया देख सकते हो, बस थोड़ा सा तीखा बना दिया। तो चलो अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस। आज यही सब था रूटीन दिन भर का, बहुत सी चीज़ें थी बट कम दिखाया, टाइम नहीं हो पाता है बहुत सी चीज़ें दिखाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय।